अथ वाच पुरुष को कारण प्रकृति को को कृष्ण चाहूं इस ज्ञान को ज्ञानको को श्री देह दे कौंते अजो कहते इसे ही क्षेत्र है जो जानता इसको उसे कहते सभी खेत्रज्ञ हैं पार्थ क्षेत्रों में सभी मुझको समझ क्षेत्र भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान वही ज्ञान भी यह क्षेत्र जो जैसा विकारी या जहां से जिस तरह संक्षेप में मुझसे सुनो जैसे प्रभाव गाया बहुत विधि गणों ने विविध ने पृथक ब्रह्म ब्रह्मसूत्रों से सुनिश्चित हेतु द्वारा पृथक बुद्धि भी एक मन दश इंद्रिया इंद्रिय विषय पांचों सभी देश चेतना ओ पिंड सुख दुखध कहदी आ संक्षेपसवीकार ये मान मानदंबरहित तो अहिंसा और सरलता क्षमा ही धीरता शुचिता नियंत्रण से वैराग्येन्द्रिय भोगसे हुहंकार देखन पुनि जन्म मृत्यु जरावरुज दुख दोष ही पत्नी व पुत्र में आसक्ति ममता ही नई इष्ट और जिस का तु चित्त समान है मुझ में अन्य सुयोग से सुस्थिर जिसकी भक्ति है एकांत थलवासी न जिसकी जन सभा से प्रीति है अध्यात्म ज्ञान ही रत सदा देखना ना है है कहा यह ज्ञान इससे अन्यथा ज्ञान है गे जो उसको कहूंगा जान मिलता नंद है परम ब्रह्म वनादि कहती वह न सत असत ही है सब ऊर कर पद मां मुख कान युत सब संसार को संपूर्ण ढक कर बैठता सब सर्व इंद्रिय गुण प्रकाशक सर्व इंद्रिय से रहित सर्व भर गुण भोक्ता निर्गुण व संगों से रहित बाहर व भीतर चर, चर सब प्राणी के वह रूप भी सूक्ष्म होने से नगेय सुदूर व निकटस्थ भी एक भी सब प्राणियों में वह बट आसाथ रही है भूत भरताजक और संहार कही है ज्योतियों की ज्योति वह तम से पर एक कहते उसे जानने के योग्य ज्ञान सुगम व सबके हृदय वसी संक्षेप में ही है कहा इस क्षेत्र ज्ञान व गेय को जानकर यह भक्त मम पाता हमारे रूप को प्रकृति और यह पुरुष दोनों को वन दे जानिए गुण तीन और विकार सब होते प्रकृति से मानिए कार्य कर्णोत्पत्ति में तो प्रकृति ही कारण कहा सुख दुखों के भोग में यह पुरुष ही कारण महा प्रकृति उत्पन्न गुण भोक्ता पुरुष प्रकृत स्थिति अच्छा जो जन्म कारण जीव का गुण संग ही साक्षी सुमतिदाता वर्ता भोक्ता ईश्वर महा पर इस देह में परमात्मा यह कहा गुण सहित तो वैसे प्रकृति और पुरुष को जो जानता सब तरह से वर्तता भी पुनः नहीं वह जन्मता लखते हृदय में ध्यान से कुछ आत्म को निज आत्म से और दूसरे कुछ ज्ञान से कुछ कर्म रूप सुयोग से जो जानते ऐसे नहीं अन्य से पूजा करें मृत्यु सागर को यहाँ सुन कर लगे वे भी तरें हे पार्थ जितने चरव, चरव उत्पन्न होते होतेणिय क्षेत्र यो क्षेत्र के संयोग से ही समझ नष्ट होते जीव में वसताय नर ईशहे मम रूप से यह देखता जो देखता वसते है। सब जगह सम देखता निश्चित अवस्थित ईशकू आत्मा नाशे आत्म से पाता तभी परमेशकू प्रकृत से ही कर्म हो सब भांति से जो देखता करता न निज को मानता जो है वही तो देखता सब प्राणियों के भाव निज निज देखता एक अस्थ जब विस्तार उससे ही उसे ही प्राप्त होता ब्रह्म तब गुण से अतीत अनाद यह परमात्मा व्यरहित तो है तन में वसा भी पार्थ करता नहीं न होता लिप्त है सब में रमा जो सूक्ष्मता से नव न होता लिप्त है त्यों देह में सर्वत्र बसी आत्मा न होता लिप्त है रवि रविएकजों सब लोक को कर्ता प्रधान प्रकाश है सब देह को त्यों आत्मा कर्ता यहाँ सुप्रकाश है इस भांति ज्ञान सुनेत्र से इस क्षेत्र क्षेत्री भेद को जानते जो भूत प्रकृति विमुक्ति पाते ईश को कुशोध्याय